नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत के बिहार बुलेटिन में राकेश। खबरों की शुरुआत करने से पहले आपको ये बता दे चले कि कोरोना वायरस से बचाव को लेकर अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। आइए अब डालते नजर अब तक के 10 बड़े फटाफट खबरों पर। कोरोना वायरस के बीच पट्टा की मेयर सीता साहू ने आरंभ की नवरात्रि की पूजा, अपने परिवार के साथ बिता रही समय मंगल कामना की अपील। के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे घर से निपटा रहे विभागीय काम, अधिकारियों को दे रहे दिशा निर्देश, कोरोना के डर के वजह से सभी लोग अपने घरों में है कैद। बिहार के परिवहन सचिव का नेशन भारत से खास बातचीत, लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए संजय अग्रवाल उतरे सड़कों पर, कहा लोग कर रहे अब पूरा सहयोग। लॉकडाउन को लेकर बाढ़ प्रशासन ने सख्ती अपनाते हुए रोड पर आने जाने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की। इस दौरान कचहरी के पास जांच के दौरान बेलछी अंचलाधिकारी का वाहन एसडीओ ने पकड़ा और 2000 रुपए फाइन भरने का आदेश दिया। लगभग दर्जनों वाहनों पर फाइन किया गया। ये कार्रवाई निरंतर आगे भी जारी रहेगी। रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड अंतर्गत आदर्श ग्राम अमियावर में समाज सेवी गांधी चौधरी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए निशुल्क 2000 मास्क का वितरण किया। साथ ही निशुल्क मास्क का वितरण अमियार गांव में सभी वार्डों को और दलित मोहल्ला में घर घर घूमकर एक एक लोगों के बीच मास्क वितरण कर लोगों को जागरूक करने का भी किया काम। मुंगेर जिला अधिकारी राजेश मीणा लोगों से घर में रहने की कर रहे अपील, प्रशासन को भी सहयोग करने की अपील। मुंगेर जिले में शाहीनबाग के तर्ज पर नीलम चौक के स्थित मुंगेर में कोरोना वायरस के मद्देनजर मुंगेर जिला प्रशासन के आदेश पर CAA, NRC और NPR के खिलाफ चल रहे अनवरत धरने को पुलिस के द्वारा बलपूर्वक खाली कराया गया। महीनों से चल रहे धरनास्थल पर भारी संख्या में पहुंचे पुलिस बलपूर्वक धरनास्थल को खाली करवाया। जिला प्रशासन के आदेश से यह धरनास्थल को किया गया खाली। और सुपौल में लॉकडाउन का दिख रहा साइड इफेक्ट, त्रिवेणीगंज ब्लॉक स्टाफ को बैरिकेडिंग के समीप स्थानीय पुलिस कर्मियों ने जमकर की पिटाई, जिसके बाद उसे अपने साथ थाने भी ले गई। वहीं जहां हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, आक्रोश में कर्मी वरीय अधिकारी मामले को दबाने की कोशिश में जुटे। देशव्यापी लॉकडाउन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कोरोना को लेकर क्या किया। और भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर जनगणना 2021 का पहला चरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR अपडेशन को अगले आदेश तक किया गया स्थगित। आपको बता दें कि यह प्रक्रिया 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में होने वाली थी, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। नेशन भारत के बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।